पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मानसरोवर कॉलोनी स्थित एक होटल में श्री राजराजेश्वर सहस्रार्जुन महाराज जयंती का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। दीप प्रज्वलन किया गया और सभी महिलाओं और कन्याओं ने गणेश वंदना प्रस्तुत की, जिसके बाद गेम और सरप्राइज गेम का भी आयोजन किया गया। हाउसिंग कपल गेम प्रतियोगिता और लकी ड्रॉ और छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस शो का भी आयोजन हुआ। संयोजक संजीव कुमार और मुकुल सिंह तथा टीम ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मौजूद रहे महापौर विनोद अग्रवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। महापौर विनोद अग्रवाल का सभी पदाधिकारियों के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया गया। तत्पश्चात महापौर विनोद अग्रवाल ने राजराजेश्वर सहस्रार्जुन महाराज की जयंती के उत्सव पर सभी को शुभकामनाएं दी और बधाई दी। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल ने समाज के सभी लोगों को अग्रणी रहने का भी संदेश दिया। आयोजन में सुंदर कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद सभी को उपहार भेंट किए गए। आयोजन में संजीव कुमार, मुकुल सिंह, संजीव वर्मा, सचिन वर्मा, विनोद वर्मा, नितिन वर्मा, दीपक वर्मा, जितेंद्र, दिनेश वर्मा, विनोद कुमार, दिलीप कुमार, राजीव, शिवम वर्मा के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे महापौर विनोद अग्रवाल का सभी के द्वारा स्वागत किया गया और आभार जताया गया कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सचिन वर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, नितिन सिंह जी और हिमांशु वर्मा, सौरभ छारिया जी, ये इनकी जो महिलाएं हैं, ये अपनी भक्ति जिन्होंने अभी बहुत सुंदर वाली प्रस्तुति दी और महिला कार्यक्रम की संयोजिकाएं थी, इनको भी सबको बहुत सारी बधाई। ये अपना जो समाज है, इस समाज से मैं पिछले 50 वर्षों से जुड़ा हूँ। कभी मुरादाबाद में बहुत बड़ी तादाद में कलशे बना करते थे हाथ से, खटाक जिसे कहते हैं, और अपने नवाबपुरे में हरि कृष्ण जी हुआ करते थे, साउथ मोहल्ले में अपने ये मुखिया जी रामगोपाल जी हुआ करते थे, और ये पी गए थे शंकरनाथ जी और कई लोग हुआ करते थे। तब मैं उनके यहाँ काम हुआ करता था, जाता था, कच्चे लगा था, बहुत काम होता था और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो डिजाइनदार कच्चे बनते थे, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बड़े बड़े डिजाइन में, और कहते हैं कि उस जमाने में जो बेजोर का कच्चा कहलाता था, जोर नहीं तो खैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया हुई, तब उस जमाने में एक अलग चीज है, 50 साल पहले जो हमारी युवा पीढ़ी है तो उस समय होगी भी नहीं, समाज को मैंने बड़े करीब से देखा है। पर आज मैं देखा हूँ कि समाज में बहुत जागृति आई है, समाज के बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ लिख कर अन्य कार्यों में भी लग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो हाथ से हैंडलिंग का ही काम कर रहे हैं, और हैंडलिंग के अलावा अभी तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी से जो काम हो रहा है उसमें ये समाज आगे बढ़ रहा है। वो भाई सब खड़े हैं पीछे, क्या सुनता हूँ आपका। हर साल होता है हमारे सहस्रार्जुन महाराज जी का, आज के दिन जन्म दिवस होता है, जिस उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम रखते हैं। आज हमने मानसरोवर पैराडाइज में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें हम लोग पहले हम क्या करते थे, जन्मोत्सव मनाते थे, लेकिन अब हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जैसे जनरेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से हम प्रोग्राम को चेंज करते चले जा रहे हैं। अब हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, इसमें बहुत सारी सहयोगिका है, इसमें जो साथ हमारा देती है, बच्चों के गेम्स हैं, कपल गेम्स हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, हाउजी है हमारी, और आज हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि महापौर जी रहे, जो बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया है हम लोगों के लिए और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में विशेष क्या रहा? आज श्री हमारे राजराजेश्वर श्री सहस्रार्जुन महाराज जी का जन्मोत्सव हमारे समाज ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। इसमें हमारे श्री विनोद अग्रवाल महापौर, उनको विशेष अतिथि बनाया गया था, उन्होंने भी हमारे समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें करी हैं। वैसे भी काफ़ी आगे जा रहा है,
और अपनी मेहनत से वो काफ़ी कुछ आगे जा भी चुका है। बस हम ऐसे ही हर साल उनका अपने श्री महाराज सहस्रार्जुन महाराज जी का जन्मदिन मनाते रहते हैं। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे समाज के लोगों से जो सब साथ में हैं? सब मिलजुल के सहयोग की भावना हमारे दिल में आती है। एक परिवार के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ बनता है। आजकल के टाइम में जो न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, इससे एक थोड़ा सा मैसेज जाता है कि हम लोग समाज में एक साथ बन के रहें, साथ रहें, खुश रहें,